हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट, अविशन फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो आज हम फिर से आए हैं एक नए करंट अफेयर्स के सेशन के साथ, जो कि बेस्ड है 24 सितंबर के ऊपर। तो इस सेशन में हम देख लेंगे आज के दिन के ऊपर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हैज पार्टनर्ड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी टू एक्सटेंड द वेलफेयर टू इट्स ड्राइवर्स। जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उन्होंने कौन से कंपनी के साथ पार्टनरशिप लिया किया है कि जो ड्राइवर का जो वेलफेयर है उसको एक्सटेंड करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, ओला। गवर्नमेंट का जो हेल्थ केयर स्कीम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, उन्होंने क्या किया है, ओला के साथ, ओला जो कि एक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है उनके साथ एक पार्टनरशिप साइन किया है, ओला के जो सारे ड्राइवर्स है और उनके जो फैमिलीज है उनको लाइफ इंश्योरेंस देने के लिए। इससे क्या है, जो लोग ड्राइवर्स है वो उन लोगों का लाइफ का रिस्क रहता है, इसके लिए हमारे जो गवर्नमेंट का हेल्थ केयर स्कीम है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इन लोग को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गूगल अनाउंस दैट इट विल ओपन एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिसर्च लैब गूगल रिसर्च इंडिया इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। गूगल ने अनाउंस किया है कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब रिसर्च लैब बनाएंगे जिसका नाम दिया है गूगल रिसर्च इंडिया, वो कौन से शहर में बनाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, बेंगलुरु। गूगल ने अनाउंस किया है कि उन्होंने उनको बेंगलुरु में वो एक एडवांस आर्टिफिशियल रिसर्च लैब बनाएंगे जो क्या करेगा कि एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो सारे रिसर्च वर्क है उस पर काम करेगा, और जो एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इनमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर काम करेगा। सीजर सेन गुप्ता जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नेक्स्ट बिलियन यूजर इनिशिएटिव एंड पेमेंट्स एट गूगल, उन्होंने बोला है इस टीम का मेन फोकस क्या रहेगा, जो एडवांसिंग फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसर्च है इसके ऊपर ये टीम फोकस करेगा, और जो प्रॉब्लम्स आते हैं हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर या फिर एडुकेशन के ऊपर प्रॉब्लम को भी ये टीम टैकल करेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। कौन से दिन को वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 21 सितंबर। अल्जाइमर्स जो कि एक डिमेंशिया का एक फॉर्म है जो स्लोली प्रोग्रेस होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ, ये मेनली कॉमनली देखा जाता है कि 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों के अंदर ये देखा जाता है कि वो भूल जाते हैं, जो मेमोरी है उनका मेमोरी लॉस होता जाता है, और इससे और ये सिर्फ ये नहीं कि 60 से बाद की उम्र में ही देखा जाता है, 30-60 ईयर्स के अंदर भी ये देखा जाता है, जो कि बोला जाता है अर्ली ऑनसेट है अल्जाइमर्स का। डेटा ये बोल रहा है कि ग्लोबली 44 million to 50 million पीपल हैव वन और अदर काइंड ऑफ डिमेंशिया एंड नियरली 4 million पीपल हैव अल्जाइमर्स इन इंडिया। इसको लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाया गया है इस डिजीज़ को लेके, लेकिन फिर भी ग्लोबली देयर एक वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग का गैप है इस बीमारी को लेके। तो ये जो दिन है 21 सितंबर, इस दिन को इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है, इस दिन को इसीलिए डिनोट किया गया है कि जो वर्ल्ड अल्जाइमर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये लोगों के पास और भी आसानी से पहुंचे। तो आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35th एनुअल ट्राई सर्विस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस टू प्लेस इन व्हिच सिटी। जो 35th एनुअल ट्राई सर्विस कमांडर कॉन्फ्रेंस है वो कौन से शहर में होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ई, जैसलमेर। ये जो 35th ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है वो जैसलमेर में हो रहा है जो कि है राजस्थान में। ये सर्विस किस लिए हो रहा है, ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि हमारे जो तीनों आर्मीज है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों जो फोर्स है इन फोर्स के बीच में जो फोर्स के बीच में जो जॉइंटनेस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और भी मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज किया जाता है। फोर्स यहाँ पे क्या करता है कि ऑपरेशंस करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ मिशंस के ऊपर काम करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रणवीर सिंह ओन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर व्हिच मूवी। रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है जो कि आईफा अवार्ड था, वहाँ पे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है कौन से मूवी के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, पद्मावत। जो 20th एडिशन था इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स का, आईफा अवार्ड्स का, उसमें रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है उनका जो फिल्म था पद्मावत उसके लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को राजी सिनेमा में उनका जो रोल था उसके लिए, और जो नेशनल अवार्ड विनर है हमारे विकी कौशल को बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला है फॉर द मूवी संजू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट गेट फर्स्ट सस्टेनेबल एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट। कौन से एयरपोर्ट को फर्स्ट सस्टेनेबल एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, गुवाहाटी। जो अपकमिंग टर्मिनल बिल्डिंग है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, इसको बोला जा रहा है इसको फर्स्ट सस्टेनेबल टर्मिनल बिल्डिंग मिलने वाला है नॉर्थ ईस्ट में।
जो कि गुवाहाटी एयरपोर्ट है। ये किसने बोला है? जो रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है नॉर्थ ईस्ट के एयरपोर्ट अथॉरिटी का, संजीव जिंदल, उन्होंने बोला है। ये जो सस्टेनेबल टर्मिनल बिल्डिंग है इसमें क्या क्या फैसिलिटीज रहेगा? इसमें फैसिलिटीज रहेगा लाइक सोवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सोलर पावर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम एंड एनर्जी एफिशियंट लाइटिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद BSNL टू लॉन्च फ्री पब्लिक वाईफाई इन विलेजेस अक्रॉस महाराष्ट्र, गुजरात एंड बिहार? कौन से कंपनी ने महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार के विलेजेस में वाईफाई कनेक्शन देने के लिए, फ्री पब्लिक वाईफाई कनेक्शन देने के लिए BSNL के साथ पार्टनरशिप किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, गूगल। जो सर्च इंजिन जायंट है गूगल, उन्होंने क्या किया है, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ। ये पार्टनरशिप का एम क्या है कि महाराष्ट्र गुजरात और बिहार का जो सारा विलेज है जहाँ पे कोई वाईफाई कनेक्शन नहीं है, वहाँ पे फ्री पब्लिक वाईफाई कनेक्शन देना। ये अनाउंसमेंट कब किया गया? जो फिफ्थ एडिशन था गूगल का इंडिया इवेंट में, वहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया गया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस? कौन से दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में मनाया जाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, 21st September। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 21st September। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड पीस डे। 21st September को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस भी बोला जाता है और वर्ल्ड पीस डे भी बोला जाता है। ये दिन किस लिए मनाया जाता है? जो आइडिया है, आइडिया ऑफ पीस बोथ इन अमोंग ऑल द नेशंस एंड पीपल, सारे इंसानों में और सारे देशों में शांति का जो आइडिया है, इस आइडिया को और भी मजबूत बनाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच सिटी विल होस्ट फ्लावर फेस्टिवल ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून? कौन सा शहर जो नॉर्थ ईस्ट का जो मानसून है तब फ्लावर फेस्टिवल होस्ट करने जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ई, ऊटी। तमिलनाडु के जो शहर है ऊटी, वो क्या करने जा रहा है, जो सेकेंड फ्लावर फेस्टिवल है ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून, उसको होस्ट करने जा रहा है ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। ये फ्लावर फेस्टिवल के लिए जो प्रिपरेटरी वर्क है वो स्टार्ट किया गया है जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है उदगमंदलम में, वहाँ पे मोर देन 85 एग्जॉटिक वेराइटीज इंक्लूडिंग प्रीडोमिनेंटली इंग्लिश फ्लावर्स लाइक डालिया, मेरीगोल्ड, कैलेंडुला एंड डेजी विल बी एग्जिबिटेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। और क्या किया जा रहा है कि फ्लावर्स को रीप्लांट किया जा रहा है 2.5 लाख स्मॉल पॉट्स में, जो कि एनवायरनमेंट के लिए एकदम आइडियल कंडीशन में आ जाएगा जब, और ये देखा जा रहा है कि फेस्टिवल के टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स रेडी हो जाए। द लास्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्स द मीटिंग ऑफ नॉर्दर्न जोनल काउंसिल? नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का जो मीटिंग है उसका चेयरमैन कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, अमित शाह। जो मीटिंग है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का, वो किसके चेयरमैनशिप के अंडर में स्टार्ट हुआ है? अमित शाह के चेयरमैनशिप के अंडर में, जो कि हमारे होम मिनिस्टर भी है। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल कौन कौन से स्टेट को लेके बनता है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, वो इस मीटिंग के वाइस चेयरमैन है और इस मीटिंग का होस्ट भी है। ये मीटिंग में क्या डिस्कस किया जा रहा है? ये मीटिंग में डिस्कस किया जा रहा है जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, वाटर, पावर, हाउसिंग, एजुकेशन, इन सब विभागों को लेके इस मीटिंग में डिस्कस किया जा रहा है। आज का जो सेशन था वो यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।